नॉर्मली व्लॉग में मैं जिस तरह से आपका स्वागत करती हूँ ना, उससे कई गुना खुशी के साथ आज मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज है 17 तारीख, मम्मी आ रही है, राज और अनिका दोनों चले गए हैं उन्हें स्टेशन से लेने के लिए। स्टेशन से आने का सबसे बड़ा कारण यही है, मतलब ट्रेन से आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरे लिए वो काफ़ी सारा सामान ला पाए, नहीं तो फ्लाइट से कहाँ वो ला पाती। 15 किलो पर्सन वाला वो जो मामला अटक जाता है ना, उसमें आदमी खुद का सामान ढंग से नहीं लेकर जा पाता है। तो इसलिए मम्मी का एक वो था कि मैं आऊँगी तो ट्रेन से और सारी चीज़ें लेकर आऊँगी, बिल्कुल कंजूसी नहीं होगी चीज़ों को लाने में। और बस कुछ ही घंटों का इंतज़ार है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा हैप्पीनेस मेरे चेहरे पर झलक रही है। कल लखनऊ में आंधी तूफान आ गई थी, जिसकी वजह से घर में पूरा मिट्टी मिट्टी सा हो गया था। वो बारीक ऐसी धूल वाली मिट्टी है ना, वो हर जगह छा गई थी। और सुबह जो उठी ना, तो झाड़ू पोछा वाली दीदी ने बोल दिया मैं नहीं आऊँगी, आज मैं छुट्टी पर हूँ। उसके बाद जो मेरी हाउस हेल्पर है वो भी बोलती है आज मैं नहीं आऊँगी, मेरी सास बीमार है। अब तो मैंने बोला इस किटकिट मिट्टी के साथ, जो वो मिट्टी का वो किटकिट होता है ना, जहाँ पर भी हाथ लगाओ वहाँ पर किटकिट 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 वाला वो फील, मैं इरिटेट होने लग गई। लिटरली मैंने रिक्वेस्ट किया मेरे हाउस हेल्पर को, प्लीज़ 1:30 बजे ही सही तू आ जा और मेरे घर का ये किटकिट वाला जो सीन है ये ख़त्म कर दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से, बस ये सीन ख़त्म कर दे। क्योंकि मैं जहाँ पर भी हाथ लगाऊँ ना किटकिट मिट्टी का वो किटकिट, और वो इतना इरिटेटिंग था। बट देन फाइनली वो आई और ऊपर ही सही उसने झाड़ू पोछा करके दिया। पूरी तरह से तो घर का वो किटकिट बना नहीं गया है, पर ठीक है, काम चल जाएगा। और आज पूरे दिन मौसम ऐसा क्लाउडी सा था और हल्का टेम्परेचर भी कम हो गया, मतलब इतना जल्द ठंड आ जाएगी मुझे नहीं लगा था। पंखे की स्पीड देखिए, ये पंखे की स्पीड है, और यही कल तक ना पंखा फास्ट चलता था या एसी चलती थी, आज ना एसी चल रही है और ना ही पंखा का स्पीड ज़्यादा है। मतलब क्या ही बोलूँ, बस एक रात की बात और सारा माहौल बदल गया। उसी के साथ आज है नवरात्रि का day 3, रेड कलर, तो मैंने रेड कलर पहन लिया है। आपको याद है इसी वाले काफ्तान के साथ मैंने अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया था ऐसे करके कि गुड न्यूज़ है, राइट? अगर आपने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है ना इंस्टाग्राम पर, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज, वहाँ पर सारी जो भी अपडेट है ना एकदम लाइव वाली मैं करती रहती हूँ। ये ब्लॉग करते करते मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ऑफकोर्स ये रिंगटोन तो राज की है। क्या बोल रहे, पहुँच गए लग रहा है। हेलो, सो ट्रेन जो है एक्चुअली लेट हो चुकी है, ये आनी थी 2:40 पर और ये आई है 5:10 पर। राज स्टेशन पहुँच चुके हैं और मम्मी शायद अभी पहुँच ही गई होगी, क्योंकि जब मैंने बात की थी तब मम्मी यही बोल रही थी कि माहौल, मतलब वो होता है ना एक, सब लोग अपना दरवाजे पर सामान लगाना चालू करते हैं और ट्रेन भी जब बड़े स्टेशन के पास आती है तो एक माहौल खिड़की से जो आपको दिखता है। वैसे ट्रेन की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मुझे बड़ी पसंद आती है, आपको आती है कि नहीं जल्दी से बताइएगा। तो मम्मी बता रही थी अब मैं फ़ोन करूँगी तो यार वो उतर रही होंगी या कुली के पीछे होंगी या जो भी होगा, अभी नहीं फ़ोन करती हूँ, वो खुद ही कर लेंगी। मम्मी के साथ पापा भी आ रहे हैं तो खुशी तो बहुत ज़्यादा है मुझे, मतलब मेरे चेहरे की खुशी आप ऑफकोर्स देख पा रहे होंगे। पर कल का एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताती हूँ जो मुझे हमेशा याद रहने वाला है। मम्मी जब निकल रही थी ना, तो जो पिया एंड विशाल का बेबी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रोया है, हालांकि अभी वो 1.5 महीने का हो गया है और इतना इमोशनली कनेक्टेड हो गया है मम्मी और पापा से मेरे, मतलब उसके लिए तो दादा दादी हुए, तो इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गया है कि उसे पता चल रहा था कि ये लोग जा रहे हैं। और पिया बता रही थी कि लगभग 2.5-3 घंटा वो सोया नहीं, फुल क्रैंकी था, और जब से हुआ है ना तब से ऐसा क्रैंकी नहीं हुआ है, पर कल बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रखा था। तो मुझे भी ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यार, मुझे ऐसे लग रहा था कि यार इतना कम गैप क्यों है दोनों के सिचुएशन में, मतलब हमारे आने वाले बेबी में और उसके बेबी में थोड़ा सा और ज़्यादा गैप होता ना तो उसे भी सफ़र नहीं करना पड़ता। फिर मैं रात में थोड़ा परेशान थी, मैंने पिया को पूछा तो पिया बोली अब सब ठीक है, अब थोड़ा नॉर्मल है, डोंट वरी। तो मैं वही पिया को कल बोल रही थी, तुम भी आ जाओ यार, एक काम करो नवंबर में आ जाओ, अभी मत आओ, तब तक बेबी 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा,
तो तुम भी आ जाओ। तो पिया बोल रही थी दो दो लोगों को कैसे संभाला जाएगा, तो मैंने बोला संभाल लेंगे तुम आ जाओ। तो पिया बोल रही थी ठीक है, विशाल से बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ कि पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि बेबी के साथ ट्रैवल करना वो भी थोड़ा लंबा समय, मतलब तो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर जानी पड़ती है। तो देखते हैं अगर आप आए दोनों भी या पिया एंड बेबी आ गए तो भी मतलब ये है कि उसका भी केयर हो जाएगा, मेरा भी केयर हो जाएगा, राइट। तो इस समय मुझे भी मम्मी पापा की ज़रूरत है, उसे भी ज़रूरत थी, पर प्रायोरिटी फिर मम्मी पापा को देखनी पड़ी। मेरी मम्मी का तो एक डिलीवरी सेशन ख़त्म हुआ, अभी दूसरा डिलीवरी सेशन चालू होने वाला है, ऐसे वाला माहौल है। पर ये जो एक माहौल होता है ना, सच में इस माहौल के लिए, इस खुशी के लिए ना कितना सारा मतलब चीज़ें होने लगती है ना यार। ऐसे तो मैं मम्मी को बुला बुला कर थक गई थी, तो मम्मी वॉज लाइक कि आऊँगी आऊँगी आऊँगी, बट देखो अब तो आना पड़ा मम्मी को, और आई तो अच्छा ही लग रहा है, मतलब अभी आ ही जाएंगी कुछ देर में, तो अच्छा ही लग रहा है। पर एक ये छोटी सी बात मेरे दिल में है, तो देखती हूँ बेबी ना 2 महीने का और 15 दिन में हो जाएगा पिया का, तो मैं सोच रही हूँ कि पिया को भी बुला लूँगी, जिससे उसका भी केयर हो जाए, मेरा भी केयर हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस लगभग 1 घंटे में तो मम्मी आ जाएगी, बट उससे पहले वड़ा पाव की तैयारी मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो आलू उबाल कर इस तरह से काट कर गई है मेरी हाउस हेल्प, और लहसुन मिर्ची अदरक सारी चीज़ें कूट कर गई है, मैंने सारी तैयारियां करवा ली थी, और बस गर्मा गर्म वड़े डालेंगे। जैसे पाव आएंगे ना, हम पाव में डालेंगे वड़े और वड़ा पाव खाएंगे। मतलब यार मेरे से ज़्यादा कोई क्रेजी हो सकता है वड़ा पाव के लिए, मुझे नहीं पता, बट यार वो पाव मतलब पूरे टाइम, अगर मैं किसी चीज़ के लिए जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तब भी अगर सोचती थी तो वो पाव था, सच्ची बता रही हूँ। मैंने तो इनफैक्ट इतना भी सोच लिया था कि वहाँ की बेकरी से एक हाथ कोई उठा कर लाऊँगी और यहाँ की बेकरी में उस बंदे को बोलूँगी कि तेरे को पाव बनाने हैं, वही पाव जो तू मुंबई में बनाता है, बस मुझे नहीं पता, और वो पाव तू बेच, तू भी बिजनेस कर और मुझे भी वो पाव दे, जिससे मैं वो वड़ा पाव पाव भाजी मुंबई की बिल्कुल मिस ना करूँ। मतलब अगर मैं मुंबई की सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मिस करती हूँ तो वो वड़ा पाव। वड़ा पाव का आलू जो है वो रेडी है, ठीक है, बेसन का घोल रेडी है, तेल गरम हो रहा है, वड़ा पाव के साथ खाने के लिए मिर्चियाँ तैयार है, फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है उनकी ट्रेन को आने में लखनऊ, पर कोई नहीं, आ गए हैं घर पर। इन्फेक्शन के डर से मम्मी ने और पापा ने पहले ही बोला था कि चिपकना मत, पहले हम लोग नहाएंगे धोएंगे उसी के बाद हम लोग तुम्हें हग करेंगे, अब बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वो लोग बैठे भी नहीं और सबसे पहले वॉशरूम गए नहाने धोने के लिए, क्योंकि सफ़र 24 घंटे से भी ज़्यादा लंबा था। तो मम्मी पापा ने फटाफट अपना नहाना धोना ख़त्म किया एंड देन हम लोग रिलैक्स होकर चाय नाश्ता वगैरह किए, तब जाकर मैं अच्छे से मिल पाई हूँ मम्मी और पापा को। क्योंकि यही है ना कि इस समय कोई इन्फेक्शन हो जाए तो दवाइयाँ वगैरह भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं दवाइयों को लेकर। तो मम्मी को वही डर था कि तुम ज़्यादा चिपको वगैरह मत, हम लोग पहले नहाएंगे धोएंगे। इनफैक्ट मम्मी ने अपनी चप्पल विप्पल सब धो ली थी, बैग सारी सैनिटाइज कर ली थी और सारी चीज़ें मेरे लिए लाई है, इन सारे बैग्स में काफ़ी सारा सामान लाई थी मम्मी, मतलब मेरे लिए, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो सोचा कि चलो मैं आपको बता दूं, वरना आप भी सोच रहे होंगे कि यार मम्मी पापा आए हैं, ना हग किया ना पैर पड़ी ना कुछ। होप अभी आपको समझ में आ गया होगा इसके पीछे की कहानी। बड़ा पाव तैयार हमारे, यस, और मम्मी को हमने बिल्कुल मुंबई की वो नहीं करने दिया, याद नहीं करने दिया, उससे पहले ही वड़ा पाव खिला दिया। मम्मी कैसा लग रहा है लखनऊ, जितना देखा उतने में? अभी रास्ते से आई, रास्ते में अच्छा ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा, लाइटिंग लूटिंग। अच्छा नवरात्रि वाली थी क्या? हाँ मस्त लग रहा था रास्ते। नमस्ते। हाँ एक्चुअली जहाँ से आते हैं ना तो वो एरिया भी बहुत अच्छा वाला पड़ता है, हजरतगंज वाला, तो बहुत 25 को मैं भूतनाथ ले जाऊंगी। अभी कौन सा गंज वगैरह है ये मालूम नहीं है, जब तक पता चलेगा तो जाने का टाइम हो जाएगा, जब तक याद होएगा सब कुछ तब तक जाने का टाइम हो जाएगा। इधर गंज चलता है, हजरतगंज और कौन सा गंज, सेक्टर नहीं चलता है, सेक्टर भी होता है पर यहाँ पे नगर भी चलता है। हाँ नगर, ये सब गोमती नगर
चलो जब ना जब तक अभी मम्मी है तब तक सब याद हो जाएगा मम्मी को। ठीक दो दिनों बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। मुझे थोड़ा भी याद नहीं है कि ये व्लॉग को मुझे एंड भी करना और ये व्लॉग आगे भी मुझे बनाना है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा माँ बाप के प्यार में एकदम खो गई ना कि बिल्कुल पता नहीं चला कि यार ये दो दिन मेरे कैसे निकले हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, जो इतने दिनों से मैं बेड पर बैठी हुई थी और परेशान थी खुद के ही चीज़ों से, दो दिन कैसे मेरे गए हैं नहीं पता चला और इसीलिए व्लॉग भी नहीं कर पाई। क्विकली मैं आपको दिखा दूँ मम्मी पापा ने मेरे लिए कितनी सारी ढेर सारी चीज़ें लाई है, तो वो दिखाना चाहूँगी। लड्डू, चकली और ये वो वाले लड्डूज़ है जो डिलीवरी के बाद खाए जाते हैं और डिलीवरी से पहले भी खा सकते हैं, कुछ ऐसे लड्डू, भाकर वड़ी। तो ये तो थोड़ा सा है चीज़ जो दिखा रही हूँ। अब मेरे पापा आए और पौधा ना लाए कैसे हो सकता है, तो ये पान का पौधा भी लेकर आए हैं। ये मुंबई से यहाँ तक एकदम बढ़िया से पहुँच चुका है मेरे पास। मिठाइयाँ तो आपको दिख ही रही है, जिसमें से एक डब्बा पूरा मैं खा चुकी हूँ मिठाई। ये इलायची केला बहुत ज़्यादा लेकर आई थी मम्मी, जितना खाना था मैं काफ़ी खा चुकी हूँ, काफ़ी तो ऐसा हो चुका है। और ये स्पेशल वाला वो वाला मुरमुरा का चिवड़ा जो मुंबई में बहुत ही मज़े से खाया जाता है, चकली थोड़ी और इसमें खूब सारी और चीज़ें जो मेरी मम्मी मुझे बना बना कर खिला रही है, आटे अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग तरह के, और ये वड़ी और जो भी, मतलब ये सब दिख रहा है ना, ये काफ़ी डिटेल में आपको बताना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें बच्चा होने के बाद लगने वाली है, जैसे ये जो बांध कर रखा हुआ है वहाँ पर, वो कपड़ा कैसे गिर गया, ये सारे कपड़े नए वाले, और ये खूब सारे उसके बिछौनी, उसको लपेटने के लिए जो स्वैडल्स एंड ऑल सारी चीज़ें, ये पूरा भरा हुआ है। और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डिलीवरी के बाद ही इस्तेमाल होनी है, जो बच्चे को भी लगनी है और मुझे भी लगनी है, तो हमने इस डब्बे में ही डाल दी सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारे पैकेट्स थे तो इसी में हमने डाल दिया। बाकी तो मैंने भी काफ़ी सारा जो मेरे पास लव लैब का सामान था, तो डिलीवरी के बाद ही जो लगना है वो निकाल लिया है, जैसे अपना ब्रेस्ट पंप हो गया, ये शूशर हो गया, कुछ बॉटल्स हो गई, ये बॉटल धोने वाला लिक्विड क्लेंजर, कपड़े धोने वाला, वाइप्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी है, तो ये सब अभी पैक होनी है। उसी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऑर्डर भी करनी है अमेज़ोन से, तो मैंने सारी चीज़ें ऐड करके रखी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी चीज़ें मुझे ही लगने वाली है, बाड़न काढ़ा हो गया, या फिर डिस्पोजिबल पैंटीज़ हो गई, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, नर्सिंग कपड़े हो गए, नर्सिंग वाले जो गाउन्स होते हैं, या फिर नर्सिंग वाली अंडरगारमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके रखी है, बस उसका ऑर्डर करना है। आज है फ्राइडे तो आज अच्छा दिन लग रहा है मुझे ऑर्डर करने के लिए, और नवरात्रि तो वैसे ही है ही है। अनिका का कमरा भी पूरा सेट कर लिया है, तो यहाँ पर गद्दा लगा दिया, वहाँ से गद्दा हटा कर यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सही लग रहा था, तो यहाँ पर गद्दा लग चुका है। और काफ़ी सारे कपड़े मम्मी मेरे लिए, राज के लिए, अनिका के लिए और सबके लिए, परिवार में जितने लोग हैं उनके लिए भी लेकर आई है, तो वो तो बच्चा होने के बाद ही वो देने वाली है, और बाकी फिर आपको पता ही है कि वो बच्चे को नानी क्या क्या लेकर आती है, सोने चांदी की चीज़ें, तो वो भी आ चुकी है, वो जब देंगी तभी मैं दिखाऊँगी। और अच्छा सा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए दो दिन से मैं व्लॉग नहीं कर पाई। इस समय मम्मी और राज और अनिका तीनों गए हैं, एक हाउस हेल्पर मिल गई है 24 आवर्स के लिए, उसे लेने के लिए उसके घर गए हैं, और मेरे पापा बस नहा रहे हैं, इसलिए अभी मम्मी को दिखा नहीं रही हूँ। लकीली देखिए हाउस हेल्पर भी मुझे मिल गई है, बड़ा मतलब मेहनत करना पड़ा, और मेरी ननद ने इसे ढूंढ कर निकाला है, उन्होंने काफ़ी मतलब मेहनत की इसे ढूंढने के लिए, एक महीना लग गया उन्हें, बट अभी वो भी बड़ा खुश थी कि चलो किरण तुम्हें मिल गई फाइनली, और मैं भी उतना ही खुश हूँ कि चलो भाई मिल गई फाइनली। तो ये भी मतलब एक हो गया। आज की तारीख है 20, बस मेरे पास लगभग और एक महीने से भी कम का ही समय रह गया है सारी चीज़ें करने के लिए, और मुझे सबसे पहले अपनी मैटरनिटी शूट के लिए बुकिंग करवानी है, क्योंकि मेरा वो जो बेड रेस्ट वाला समय है ना, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मेरा 35 वीक्स चल रहा है और मुझे एक और वीक रेस्ट करना है 36 वीक तक, फिर 37 वीक से आई एम फ्री कि मैं जो चाहिए वो थोड़े दिन कर सकती हूँ बिफोर डिलीवरी। तो
अब काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए लग रही है, सब चीज़ें अच्छी होते हुए लग रही है। नहीं तो ये कुछ मैंने ना घर पर, मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, पर हाँ थोड़ा सा दिन भर बेड पर बैठे बैठे सच में थोड़ा सा तो ऊब जाती हूँ मैं, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, खूब सारी मस्ती करेंगे। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर। Todas tus amigas say you miss me, girl. Tú necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.